हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे लौकी की खीर कैसे बनाई जाती है। बहुत ही टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी बहुत ज्यादा लगती है और बनाना भी आसान है। तो इसके लिए हमने एक लौकी ली है, 250 ग्राम लौकी है, कच्ची ताजी लौकी ले लें, और आधा लीटर दूध है। दूध की जरूरत और पड़ेगी तो और भी डाल सकते हैं। मिल्कमेड मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, पिस्ता थोड़ा सा बारीक काट लें, काजू, देसी घी 1 टेबल स्पून और इलायची पाउडर 1 चम्मच। का हमने छिलका उतारना है, ऊपर नीचे का पोर्शन इस तरह से काट लें और इसका छिलका निकालेंगे। इस तरह से स्क्रैपर से छिलका निकाल लें। छिलका निकालने के बाद इसको हमने कद्दूकस करना है। लौकी को हमने कस लिया है। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी, उसमें हमने 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देना है। देसी घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसी में हमने लौकी को डाल के भूनना है थोड़ी देर। लौकी को 1-2 मिनट भून लिया। अब इसमें हमने काजू डाल देने, थोड़े से पिस्ते डाल देंगे, थोड़े से गार्निश के लिए रख लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके बाद इसमें हमने दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद इसको हमने पकने देना है। गैस को सिम कर देंगे और 5 मिनट तक पकाएंगे। दूध थोड़ा और डालेंगे हम, दूध कम है ये हमारा, लगभग इसमें 1/4 किलो दूध डाल दिया हमने। अब इसको 5 मिनट तक उबाल आने देंगे, उसके बाद 5 मिनट सिम आंच पर पकाएंगे। लौकी की खीर को उबाल आने के बाद हमने 5-7 मिनट सिम आंच पर पकाया है। ये इस तरह से हो जाएगी 5-7 मिनट के बाद। अब इसमें हमने मिल्क पाउडर डाल देना है, 2 टेबल स्पून है ये, सारा डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। खोए जैसा लगता है ये डालने के बाद। अच्छे से थोड़ी देर मिक्स करेंगे और 2 मिनट और इसको पकने देंगे। डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हल्का सा फूड कलर डाल देंगे, ग्रीन कलर का, क्योंकि लौकी की खीर है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, ना चाहो तो ना डालो। थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसमें हल्का सा लौकी जैसा कलर आ जाए, ग्रीन। चुटकी भर डाला है हमने। इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क मेड डाल देंगे हम, चीनी नहीं डाल रहे। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप चीनी डाल सकते हो। मिल्क मेड से भी अच्छा खासा मीठा हो जाता है और मिल्क पाउडर डाला वो भी मीठा ही होता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी 1-2 मिनट उबालेंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। अब खीर में लास्ट में थोड़े से पिस्ते डाल देंगे ऊपर से गार्निश के लिए। तो लीजिए, हमारी लौकी की खीर खाने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको व्रत में भी खा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।